स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक दूसरा सा टॉपिक जो है वो आज हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। जब भी आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर, अकाउंट में पढ़ते हो तो चाहे आप बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ो, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो आपके सामने बार बार आता है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स? ऑलमोस्ट आप सभी कुछ कंफ्यूजन में रहते हो। तो कुछ लोगों का क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड विच यूज इन फॉर्म इन प्रेजेंट अबाउट द कैपिटल्स। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन। दो शब्द जो होते हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा काम में आते हैं, कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे फर्स्ट किसी भी बिजनेस यूनिट में जो है वो कैपिटलाइजेशन का डिटर्मिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी फर्म डिटर्मिनेट इट्स कैपिटलाइजेशन कि व्हाट इज द टोटल कैपिटल्स विच विल बी कलेक्टेड बाय मैनेजमेंट। कि रियल में किसी भी फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी जिसको उनको कलेक्ट करना है। तो दिस इज नॉन एज कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो जो भी आपकी टोटल कैपिटल होती है, आप इस स्टाइल से बैलेंस शीट को जब टोटल लगाते हो तो ये जो होता है आपका वो कहलाता है कि इतनी टोटल कैपिटल जो है फर्म के पास होनी चाहिए। यहाँ एक एंट्री आती है आपकी पूरी कैपिटल की, तो ये फर्म की जो है वो टोटल कैपिटल होना जरूरी है। तो इट इज नॉन एज कैपिटलाइजेशन। जो यहाँ आपकी पूरी सम आती है डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज को लेकर के, और जो डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज होते हैं कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, यहाँ आप लिखोगे इक्विटी शेयर 1 लाख रुपीज, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, डेब्ट 3 लाख, लोन 4 लाख, देन द सम ऑफ दिस इज नॉन एज कैपिटलाइजेशन। इसको यहाँ जो सम आएगी वो आपकी यहाँ कैपिटलाइजेशन होगी, और ये डिफरेंट पार्ट जो है आपके वो कहलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी डिटर्मिनेट इन एनी फर्म। कि किसी भी फर्म में पहले कैपिटलाइजेशन का डिटर्मिनेशन होता है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर्स का होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स? द पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म। द पैटर्न ऑफ कैपिटल, ये है आपका पैटर्न, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट एंड लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन। तो द पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, ये पूरा आपका पैटर्न, ये आप एम्प्लॉयड कर रहे हो फर्म में। इट इज अ फाइनेंशियल प्लान, ये आपकी फर्म का एक फाइनेंशियल प्लान है कि हाउ द कैपिटल विल बी कलेक्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। तो इट इज अ फाइनेंशियल प्लान, ये किसी भी कंपनी का एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिस प्लान को कंपनी अप्रूवल करती है कैपिटल के कलेक्शंस को लेकर के। ऑफ अ फर्म इन विच वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर मिक्स्ड, वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर मिक्स्ड, ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज होते हैं ये इसमें मिक्स्ड किए जाते हैं, इन सच प्रपोर्शंस दैट प्रोवाइड अ सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। इस फॉर्म में सारे जो है एक मिक्सअप प्रपोर्शंस में जो है वो सारे मिलाए जाते हैं ताकि एक बेटर जो है कैपिटल स्ट्रक्चर आप फर्म को प्रोवाइड करवा सको। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यही होता है, फर्म ने कैपिटल को किन किन सोर्सेज से कलेक्ट की है, इन विच सोर्सेज द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय अ फर्म, कि किन किन सोर्सेज को चूज किया है, किन किन सोर्सेज के थ्रू जो है वो कैपिटल कलेक्ट की गई है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज बाय विच कैपिटल विल कलेक्ट बाय फर्म। दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। दो प्रकार के आपके होते हैं, कुछ होते हैं जिनकी कॉस्ट बिल्कुल फिक्स होती है और कुछ होते हैं जिनकी कॉस्ट आपकी वेरिएबल होती है। देन इन वेरिएबल कॉस्ट इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट में ये इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। एंड इन फिक्स्ड कॉस्ट इट इज डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर और लोन। फिक्स्ड कॉस्ट में डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर और आपके जो है वो लोन को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उन पर जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है जिस पर ये इश्यू किए जाते हैं। और इक्विटी शेयर की कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल इसलिए मानते हैं क्योंकि इस पर डिविडेंड की रेट जो होती है वो आपके चलती रहती है। देन इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज मिक्स इन वेल प्रपोर्शंस विच इज बेनिफिशियल टू कंपनी एंड विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ये सारे रिसोर्सेज सोर्सेज उस प्रपोर्शंस में मिक्स किए जाते हैं जिससे कंपनी की रिक्वायरमेंट को इजी गोइंग फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक फर्म की जो है वो पैटर्न है,
जिसके थ्रू फर्म जो है वो कैपिटल कलेक्ट करती है, ये एक फाइनेंशियल प्लान है। और ये जो कैपिटल कलेक्ट होती है ये किसी भी फर्म के लिए जो है वो सुटेबल रहती है, तो ये हमारा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब आप समझ गए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ। आपने जो भी मिक्सअप किया, ये पूरा का पूरा जो आपका मिक्सचर था, बॉन्ड है, लोन है, ये सारा मिक्सअप जो है रेशो में आपने प्रिपेयर कर लिया, तो ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये टोटल सम इज नोन एज कैपिटलाइजेशन, इसको हम कैपिटलाइजेशन के नाम से जानते हैं। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन व्हिच इज गिवन फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ ए फर्म रिप्रेजेंटेटिंग बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट प्रेफरेंस शेयर नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ब्राइग्रम। वेस्टर्न और ब्राइगम ने कैपिटल स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन दी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इट इज परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ ए फर्म। ये बिल्कुल एक परमानेंट फाइनेंसिंग प्लान है आपका, परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ ए फर्म। एक फर्म को परमानेंट फाइनेंस किस स्टाइल्स में मिलेगा, उसका एक ये प्लान होता है रिप्रेजेंटेटिंग बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसमें आपके लॉन्ग टर्म के, मैंने आपको बोला, डेब्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी, नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड ब्राइग्रम्स हम जो है ये परमानेंट फर्म का जो है एक फाइनेंशियल प्लान है, इसमें इट इज इंक्लूड लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर एंड नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी, उसको इसमें जो है वो इंक्लूड किया जाता है। देन अगेन अ डेफिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है एक कॉम्बिनेशन है, आप उसमें डेब्ट को भी इंक्लूड करते हो और आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है एटलीस्ट उसको भी इंक्लूड किया जाता है। डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटी दैट कंप्राइज द फर्म फाइनेंसिंग इज एसेट्स, और इसके बिहाफ पे फर्म जो है अपनी एसेट्स की जो है वो फाइनेंसिंग करती है, फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स की, जितनी भी एसेट्स फर्म को परचेज करनी होती है तो वो उन एसेट्स को परचेज करने के लिए इन कॉम्बिनेशन सेट को फॉलो करता है, तो ये कहलाता है आपका कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन क्लियर हो गया, एक परमानेंट फाइनेंसिंग प्लान है, इसमें डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, प्रेफरेंस और नेटवर्क को इंक्लूड किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन सेट होता है विच इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स, जिसको हम किसी फर्म की एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए हम यूज में लेते हैं। अब आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके सामने दो शब्द है, आपने इन दोनों को अलग अलग फॉर्म में देखा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। देन कैपिटलाइजेशन इज अ क्वांटम ऑफ कैपिटल नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। देन इट इज द क्वांटम ऑफ कैपिटल, क्वांटम ऑफ कैपिटल ये आपकी कैपिटल की टोटल क्वांटिटी को इंक्लूड करता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ये आपको ये शो करता है, इट इज इक्वल टू योर टोटल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। देन इट इज रिप्रेजेंट द क्वांटम ऑफ कैपिटल सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो किसी भी बिजनेस यूनिट के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए जितनी टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, देन इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। And in capital structure is determination of the firm's security to be used to get required amount of certain capitals. तो इसमें आप different types की securities को use करते हो, which are used in collection of capital. Collection of capital की capital को collect करने में आपने जो डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी को यूज किया जाता है, तो उन सिक्योरिटीज का जो है वो आपका किन किन सिक्योरिटीज को आपने इंक्लूड किया है, देन इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन एंड दिस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटलाइजेशन जो होती है वो आपकी इट इज फर्स्ट एक्टिविटी, सबसे पहले आपको जो है
कैपिटलाइजेशन को एज्यूम करना पड़ता है कि 8,80,000 किसकी कैपिटल को आपने डिटरमिनेट किया है, एंड इट इज द सेकंड स्टेप. ये आपका सेकंड स्टेप्स होता है आफ्टर इट कैपिटल स्ट्रक्चर्स फुलफिल. सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का डिटरमिनेशन होता है, उसके बाद जो है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर्स जो है वो तय किया जाता है. देन कैपिटलाइजेशन में चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं, बट कैपिटल स्ट्रक्चर्स को आप जो है वो चेंजेस कर सकते हो. बिजनेस की जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करती है, कैपिटलाइजेशन पे. कैपिटल स्ट्रक्चर पे बिजनेस की सक्सेस इतनी डिपेंड नहीं करती है. तो देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. आप जब कभी भी इन दोनों शब्दों को एक साथ काम में लेते हो तो आपको इन दोनों के डिफरेंस को जो है वो समझना पड़ता है कि यहाँ पर हम जो है वो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने कैपिटल का जो है वो नेचर डिसाइड किया है. कैपिटल नेचर इज डिटरमिनेट कि किस किस स्टाइल की कैपिटल हमारे पास होगी, क्या लॉन्ग टर्म की क्या होगी, शॉर्ट टर्म की क्या होगी और उसकी क्या होगी. जबकि आपका पूंजीकरण में कैपिटलाइजेशन में आप ये डिसाइड करते हो कि हाउ मच कैपिटल विल कलेक्ट, हाउ मच कैपिटल विल कलेक्ट कि कितनी पूंजी कलेक्ट की जाएगी, आप इसका डिटरमिनेशन जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में करते हो. तो अब थोड़ा सा एक माइनर है आपका, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज कैपिटलाइजेशन. द नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर. ऑलमोस्ट अब आपने फर्म की जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है. हर मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि एटलीस्ट रेशियो क्या किया जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल का एटलीस्ट रेशियो क्या होगा, आप किसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, इफ़ यू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल इन हाई अमाउंट देन आपका क्या हो गया कि आपने ट्रेडिंग एंड इक्विटी का जो आपको बेनिफिट एटलीस्ट वो नहीं मिल पाएगा. इफ़ यू इशू फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इज मोर देन आपके पास रिस्क रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी. आपको जो है कंडीशन जो आपकी बिजनेस की जो कंडीशंस है एटलीस्ट उसमें आपको टोटल प्रॉफिट की अवेबिलिटी नहीं हुई तो फिक्स्ड कॉस्ट वाली कैपिटल जो है वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल का एटलीस्ट रेशियो क्या हो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट इज द रेशियो इक्विटी शेयर कैपिटल विद डेप्ट, कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल का डेप्ट के साथ रियल में एक बेस्ट रेशियो किस स्टाइल का होगा, आपको ये डिटरमिनेट करना पड़ेगा. अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स की ऑलमोस्ट वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड योर कैपिटल स्ट्रक्चर्स. आप सोचते हो कि मैंने जो डिटरमिनेट कर लिया एटलीस्ट वही बेस्ट होगा, नो इट इज नॉट बेस्ट बिकॉज इट इज अफेक्टेड फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स, सम आर इंटरनल एंड अदर आर एक्सटर्नल. आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता है एटलीस्ट वो वेरियस टाइप्स के जो फैक्टर्स होते हैं उनसे अफेक्टेड होता है. आप जो डिटरमिनेट करते हो एटलीस्ट वही वैल्यूड होगा या नहीं होगा, इट इज नॉट. तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज योर इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिलेटेड फ्रॉम आउट पार्ट ऑफ फर्म एंड इंटरनल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ योर बिजनेस यूनिट. तो एक्सटर्नल में जिनकी लिंक आपके बिजनेस से बाहर की है उनको इंक्लूड किया जाता है, और इंटरनल में उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है विच आर रिलेटेड फ्रॉम योर बिजनेस, जो ओनली आपके बिजनेस से जो है रिलेटेड होते हैं. उन सब फैक्टर्स को जो है हम इंटरनल में लेते हैं, और जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं उन सब फैक्टर्स को जो है हम एक्सटर्नल फैक्टर में डाल देते हैं. देन फर्स्ट आता है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस. फर्स्ट जो पॉइंट है इन इंटरनल, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस की आपकी बिजनेस का एटलीस्ट नेचर क्या है, आप किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहे हो, आप कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व हो.
सपोज कीजिए इफ यू आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग जो है साइट्स या किसी मैन्युफैक्चरिंग वर्क में इन्वॉल्व हो, देन यू नीड फिक्स्ड कैपिटल इज मोर, आपकी नीड जो होगी वो फिक्स्ड कैपिटल की मोर होगी इन कंपैरिजन देन आपकी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अगर आपके बिजनेस का नेचर इस स्टाइल का है कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो उसमें क्या होता है कि बेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होती है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और आपकी जो वेरिएबल कैपिटल होती है उसकी रिक्वायरमेंट लोअर होती है, क्योंकि वो आपका आता जाता है, मटेरियल चलता जाता है, काम आता जाता है और चलता जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। इफ यू इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग बिजनेस, सपोज कीजिए यू आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो मटेरियल लेकर के और फिर आपका जो है वो सेलेक्ट करना होता है, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके पास लोअर है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी क्या है, लोअर है, एंड आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर हाई हो जाती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हाई हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को क्या इशू करना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में इन्वॉल्व करना चाहिए इन कंपैरिजन देन डेप्ट कैपिटल, आपकी जो भी डेप्ट कैपिटल है वो आपकी लोअर हो और आपकी इक्विटी शेयर ग्रेटर हो, ये करना चाहिए। तो आपकी फर्म की मैन्युफैक्चरिंग जो नेचर है एटलीस्ट उसने आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्टेड कर दिया, अब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को ज़्यादा इशू करोगे और प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, लोन, डिबेंचर इनको आप लोअर क्वांटिटी में इशू करोगे, क्योंकि आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब सपोज कीजिए यू आर इन्वॉल्व इन ए ट्रेडिंग बिजनेस, आपका सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज चलता रहता है, तो यू नीड वर्किंग कैपिटल इन हायर अमाउंट, आपको वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत हाई अमाउंट में होगी, तो आपको यहाँ क्या करना है, इक्विटी शेयर को तो है वो लोअर क्वांटिटी में इशू करना है, प्रेफरेंस शेयर, डेप, लोन, इस स्टाइल को आपको एक्सेस में जो है वो इशू करना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है नेचर जो है आपके बिजनेस का, ये आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्टेड करता है। निर्माणकारी संस्थाएं हैं तो उनको क्या करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट वाली कैपिटल की, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, तो समता अंशों का निर्गमन करना पड़ेगा, और उनको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है तो उनको डेप्ट कैपिटल का जो है वो कम इश्यू करना पड़ेगा। बट रिवर्स में ट्रेडिंग बिजनेस है, व्यापारिक कंपनी है, तो आपके डेली के टर्नओवर ज़्यादा होंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई अमाउंट में होगी, देन यू मस्ट या यू शुड इशू डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर इन मोर इन कंपेरिजन देन इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड पॉइंट आता है सर्टेनिटी एंड रेगुलरिटी इन इनकम, कि आपकी आय में एटलीस्ट आपकी जो इनकम है उसमें कितनी सर्टेनिटी रहती है, सर्टेनिटी है भी या नहीं है, और रेगुलरिटी अवेलेबल है या नहीं है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट करने से पहले सोच लो क्या प्रॉफिट कैसे होगा, आय में निश्चितता रहेगी, अनियमितता तो नहीं है, इररेगुलरिटी तो नहीं है, लोअर तो नहीं है, अनसर्टेनिटी तो नहीं है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिनेट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि देयर इज अ सर्टेनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सर्टेनिटी इन इनकम, आपको मालूम है कि मेरी आय में निश्चितता है, 50 लाख रुपए का लाभ कहीं नहीं जाएगा, देन यू शुड इश्यू डेट, डिबेंचर, बॉन्ड एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इनकम में सर्टेनिटी है एंड रेगुलरिटी भी है, रेगुलर वे में आपको जो है वो इनकम मिलेगी, तो यू शुड इश्यू डेप्ट कैपिटल, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, अगर आपको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है
और इररेगुलरिटी है, देन यू मस्ट देन यू शुड इशू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करना चाहिए। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को जो आपका सेकंड पॉइंट अफेक्टेड करता है, इट इज सर्टेनिटी इन इनकम एंड रेगुलरिटी इन इनकम। अब अगर अनसर्टेनिटी है, आपको प्रॉफिट होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप इशू कर दीजिए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या पे करते हो, इट इज डिपेंड अपॉन सिचुएशन, बट डिवेंचर पे वही पे करना है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने उसको इशू किए हैं। तो ऐसे समय के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है और ऐसे समय के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो आपको बिजनेस के नेचर को देख करके उसके बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस स्टाइल का होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, सेकेंड है सर्टेनिटी एंड रेगुलरिटी इन इनकम। डिजायर ऑफ कंट्रोल ऑन बिजनेस। अब आपका मैनेजमेंट क्या चाहता है, इट इज डिपेंड अपॉन द डिजायर ऑफ कंट्रोल। कि आपका मैनेजमेंट है, आपका जो प्रमोटर है, फाउंडर है, What they want, ये सारे जो हैं आपके वो क्या चाहते हैं, मैनेजमेंट की डिजायर, प्रमोटर ये क्या चाहते हैं। They want to control on business. If they want to control on business, then they should issue equity share capital in lower part. तो उनको इक्विटी शेयर कैपिटल को बहुत लोअर अमाउंट में इशू करना चाहिए, और जितना भी उन्होंने इशू किया है उसको उनको खुद को परचेज करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस समझिए कि मैनेजमेंट है आपका, आपका मैनेजर है, एमडी है, कुछ भी है, प्रमोटर है, फाउंडर है। इफ दे वांट टू कंट्रोल ऑन बिजनेस, वो क्या चाह रहे हैं, कंट्रोल ऑन बिजनेस, देन इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी क्या होगी, लेस अमाउंट में होगी, बहुत कम होगी, और जितनी भी होगी उसका मैक्सिमम पार्ट इनके थ्रू परचेज कर लिया जाएगा, मैक्सिमम पार्ट परचेज या इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ दीज पर्सनलिटी, जो भी आपका फाउंडर है, आपका प्रमोटर है, आपका मैनेजमेंट है। तो अगर उनकी डिजायर है कंट्रोल की, तो उनको जितने भी इक्विटी शेयर इशू किए हैं उनको खुद को परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने मार्केट में इशू कर दिए तो शेयर होल्डर परचेज कर लेंगे, तो उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, वोटिंग राइट बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग में हो जाएगा, तो आपका बिजनेस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो कुछ किया वो आप खुद परचेज कर लो, और रिमेनिंग पार्ट जो आपकी कैपिटल का है, इट विल कलेक्टेड फ्रॉम वही आपका बॉन्ड, वही डिबेंचर, वही प्रेफरेंस शेयर या वही लॉन। आप रिमेनिंग पार्ट को इससे कर सकते हो, क्योंकि ये लोग आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो आपके मैनेजमेंट की जो कंट्रोल करने की डिजायर है उस पर भी आपके फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है आपका, ये दिस इज थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट है, फ्यूचर प्लान। देन व्हाट इज अबाउट फ्यूचर प्लान, कि आपकी फर्म के फ्यूचर के प्लान के बारे में आपके क्या ओपिनियन है। इफ यू वांट टू एक्सपेंशन योर बिजनेस, आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बढ़े, अच्छा चले, आपको कोई नया प्लांट लगाना है, नई मशीन लगानी है, न्यू बिल्डिंग, न्यू अपार्टमेंट, कुछ भी नया ऐड करना है, ये आपकी स्टार्टिंग से ही प्लानिंग है, आपकी स्टार्टिंग से प्लानिंग है। जैसे मेरी स्टार्टिंग से प्लानिंग है कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चले, फिर मेरा दो चले, फिर तीन चले, ऐसा अगर आपका कोई प्लानिंग है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी, इट इज टू मच हाई। आपकी जो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ये आपकी जो है वो लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल
में आप ऑथोराइज्ड कैपिटल की अमाउंट को लार्ज रखिए, उसके बाद जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, पहले प्लांट की, फिर मशीन की, फिर किसी और की, तो फर्स्ट इशू, सेकंड इशू, थर्ड इशू, आप इस स्टाइल के इशूज जो है वो करते जाइए और पब्लिक से आप पैसा कलेक्ट करते जाइए, बिकॉज योर फ्यूचर प्लान इज टू एक्सपेंशन योर बिजनेस. आप सपोज कीजिए कि आप अपने बिजनेस का, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग ऐसी है कि आप अपने बिजनेस का ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है